पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए और नई पेंशन योजना को रद्द किया जाए, इस मांग को लेकर शहर के शासकीय रुग्णालयीन अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से आंदोलन किया गया, जिस दौरान उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को तीव्र करने की चेतावनी भी दी। बुधवार को शहर के सकरदरा और मेडिकल में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए और नई पेंशन योजना को रद्द किया जाए, इस मांग को लेकर रुग्णालयीन अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से आंदोलन किया गया। इस वक्त बात करते हुए उन्होंने मांग की कि न्यूनतम पेंशन में केंद्रीय वृद्धि करें, वहीं सभी को समान न्यूनतम वेतन देकर संविदा एवं योजना कार्यकर्ताओं सेवाओं को नियमित करने जैसी मांगे की। वहीं उन्होंने सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निजीकरण ठेकेदारी का कड़ा विरोध किया। जुनी पेन्शन आंदोलन का उद्देश है कि आम्मी बगतो कि कर्मचारी आयुष्या 60 वर्ष शासकीय कर्मचारी शासना काम करता दी 60 वर्ष दिखर जेव तो रिटायर्ड होतो त्याला फक्त त्याचं जुनं जे काही आहे ते हिशोब करून त्याला घरी पाठवून देतात आणि त्यांची पेन्शन बंद करतो। पेन्शन म्हटलं तर एक मराठी एक हिंदी में कहा है कि बुढ़ापे की काठी ये हमारे कर्मचारी की है और हम जिन्हें हम लोगों ने चुन के दिया है, जो 5 साल के लिए हमारा नेतृत्व करते हैं, वो लाखों से पेंशन लेते हैं और हमारे कर्मचारी भाई क्लास 4 क्लास 3 अधिकारी वृंद ये पेंशन से वंचित किया जा रहा है। ये गलत है क्योंकि जिन्हें हमने इस देश पे इस राज्य पे शासन करने दिया अवसर दिया, वही हमारे हक छीन रहे हैं और उस हक की लड़ाई के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। पूर्ण महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी यांनी संघटनेचा वतीने संप 2 दिवसाचा स्वीकारला आहे। त्याकरिता आमच्या गेले अनेक अशी मागणी आहे की जे नवीन कर्मचारी 2005 नंतर नियुक्त झालेले आहे त्यांच्यावरती शासनाने NPS म्हणून स्कीम लागू केली आहे, त्यांना जुनी पेन्शन नाही आहे। अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केली पाहिजे कारण की नवीन पेन्शनचे अनेक नुकसान आहे कुटुंबावर, परिजनांवर, त्यांच्या घरच्यांवर आणि कर्मचारी। आता आमच्या शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय परिसरामध्ये असे अनेक उदाहरणं आहे, नवीन कर्मचारी हे 2005 नंतर नियुक्त झाले आणि त्यानंतर त्यांना अचानक असा मृत्यू झाल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याचे कुटुंबीय, त्यांचे परिजन हे वन फिरत आहे, त्यांच्या पत्नींना, त्यांच्या लहान मुलांना कोणत्याही प्रकारचे पेन्शन किंवा लाभ नाही। इतकं नाही तर ते जे नवीन NPS जे रूल आहे त्याच्या अंतर्गत येणारे जे सानुग्रह लाभ आहे ते सुद्धा मिळत नाही, तर कुटुंबियांचे फार भयानक परिस्थिती होत आहे। त्याकरिता आमच्या सगळ्यांची गेल्या अनेक वर्षापासून मागणी आणि आजच्या संपातूनही मागणी आहे की पेन्शन लागू व्हायला पाहिजे। बता दें कि रुग्णालयीन अधिकारी और कर्मचारी मंगलवार को ही राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से मिले थे, लेकिन लगता है उन्हें अजीत पवार के आश्वासन रास नहीं आए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ और अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा टवा BCN News नागपुर।